होली जो होता है वो रंगों का त्यौहार होता है, तो हम रंगों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जब ये रंग ऑर्गेनिक वे में बना हुआ हो और घर में बनाए हो तो बहुत ही सेफ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तनुज किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डिफरेंट तरीके की हम होली का कलर्स कैसे बना सकते हैं। कुछ घर के ही कम सामग्री से ये बन जाते हैं और फूड कलर और वेजिटेबल से बनते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें सिर्फ फूड कलर से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों टाइप के बना रही हूँ, फूड कलर से भी और वेजिटेबल को यूज़ करके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस होली में आप कौन कौन सा रेसिपी बनाए हैं मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और आप कौन सा वीडियो भी देखना चाहेंगे ये मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मैं यहाँ पर बनाना शुरू करूँगी येलो कलर। ये हम चाहें तो नेचुरल वे में जो बनाएंगे, पहले गेंदे का फूल या जो मारीगोल्ड का फ्लावर होता है इसे बनाएंगे। सबके यहाँ ये फ्लावर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम इसे हल्दी से भी बना सकते हैं येलो कलर। हल्दी सबके पास अवेलेबल होता है, तो इसे भी बहुत एक नेचुरल कलर आता है येलो कलर। तो मैं यहाँ पर फिलहाल हल्दी का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप गेंदे का फूल इस्तेमाल करेंगे तो पहले उसे तोड़ के उसे गर्म पानी में कुछ देर के लिए बॉयल करेंगे, इसे भी एक अच्छा कलर आएगा। उसी पानी से हम कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लोर या जो एरारूट पाउडर होते हैं इसे बेस देंगे और येलो कलर तैयार करेंगे। अभी मैं बना रही हूँ हल्दी से। हल्दी लगभग मैंने एक बड़ा चम्मच इसे ऐड कर दिया है और पानी थोड़ा थोड़ा करके इसे ऐड करती जाऊंगी। हम बहुत सारे कलर बनाएंगे तो आपस में कलर लग जाएंगे, तो हम यहाँ पर ग्लोव्स का इस्तेमाल मैं करूँगी। और ये है गर्मी का पाउडर जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, वही है। इसे भी आप बना सकते हैं कलर्स, इसे भी बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर आता है। और होली में और भी इसे लगाने से और भी बढ़िया लगेगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कप कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च जो है, उसे मैं धीरे धीरे करके मिलाती जाऊँगी। पानी ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे। देखिए ये कलर आ गया है येलो कलर। अगर आप जितना हल्दी देंगे उतना ये कलर आएगा, अगर आप कम देंगे तो कम कलर आएगा। ज़्यादा कलर चाहते हैं थोड़ा और देने से कलर आएगा। ये देखिए हाथों से, पहले थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन धीरे 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 वो ऐसे हाथों से मसलते रहेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। अब ये फिलहाल जगह अगर सुखाने के लिए आप इसी तरह अगर प्लेट्स हैं तो बहुत अच्छा है, इसे यूज़ कर सकते हैं। या ओटीजी में या माइक्रोवेव में भी 2 मिनट में ये सूख जाते हैं। और ये किचन फॉइल है, इसे फॉइल में यूज़ करके भी आप सुखा सकते हैं, बहुत ही अच्छा आसानी से सूख जाते हैं। अगर आपके यहाँ धूप है तो बहुत अच्छी बात है, एक दिन के लिए सुखा दीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह सूख जाएंगे। और एक बढ़िया कलर आ गया है, देखिए ये अभी गीला है। मैं फिलहाल इसे एक बार ब्लेंड कर दूँगी, और अगर फिर भी आपको लगे नहीं हुआ है तो आप छान सकते हैं, लेकिन ये पूरा ब्लेंड हो गया है। और इसे फिर थोड़ा सुखा देंगे धूप में। अभी मैं यूज़ करूँगी ग्रीन कलर का, नेचुरल ग्रीन कलर जो हम बनाएंगे धनिये के पत्ते और पालक के पत्ते से, कुछ पालक के पत्ते और धनिये के पत्ते खूब सारा। इसे हम अच्छी तरह धो के साफ करके फिर ग्राइंड करेंगे। अभी ये है ग्रीन कलर, अगर आप चाहें तो फूड कलर ग्रीन का यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी वेजिटेबल्स में ही आपको बनाना दिखा रही हूँ। मैं पहले सभी को ग्राइंड करके इसको छान लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो पत्ते हैं उसके पार्टिकल्स रह गए हैं, अच्छी तरह नहीं बनेंगे हमारे गुलाल, तो हम इसे छान लेंगे। एक बड़ा चम्मच हो गया। अभी मैं एक कप फिर कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करती जाऊँगी धीरे धीरे करके, और हाथों से उसे आराम से हम मिलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी देंगे हम धीरे धीरे करके हल्के हाथों से मिलाते जाएंगे। पहले थोड़ा हार्ड लगेगा, अगर आप चाहें तो एक चम्मच की मदद से उसे धीरे धीरे निकाल के भी कर सकते हैं। अभी
देखिए मैं चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके उसे निकाल रही हूँ। ये ग्रीन कलर आता है, एक लाइट ग्रीन, जो मार्केट में आते हैं ग्रीन वो थोड़ा नहीं आते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक, लेकिन ये एकदम सेफ है, ये गारंटी है। ये देखिए सुखाने के बाद ऐसे बन गए हैं। और ये मैंने फूड कलर से ग्रीन करा, थोड़ा डिफरेंट है कलर, ये फूड कलर से बने हैं। सिर्फ कॉर्नफ्लोर और ग्रीन फूड कलर मैंने ऐड किया है। इसे भी मैं सुखा दी हूँ, ये भी अच्छी तरह कलर आ गए हैं। हो गया ग्रीन कलर हमारा तैयार। अभी मैं पर्पल जो होता है फूड कलर उसे यूज करेंगी। थोड़ा सा पानी मिला लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी मिला के उसमें एक कप कॉर्नस्टार्च मिलाएंगे और हल्के हाथों से धीरे धीरे उसे मिलाते जाएंगे। फूड कलर मैंने थोड़ा सा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। आप जितना लेंगे उतना कलर उतना आएगा। इसे हम धीरे धीरे करके हाथों से, देखिए पहले थोड़ा हार्ड लगेगा, नहीं हो रहा है, फिर आराम से वो निकलते जाएंगे और सूख जाएंगे। देखिए ना इसे बनाना कितना आसान है। ये थोड़ा अभी सूख गया है तो इसे आप ऐसे चम्मच की मदद से निकालेंगे तो ये पूरा सूख गया है। मैं उसे फिर ब्लेंड करके रेडी कर दी हूँ। ये हो गया हमारा पर्पल कलर तैयार। पिंक कलर हम बनाएंगे। पिंक कलर बहुत ही अच्छा एक मज़ेदार कलर आता है। ये चुकंदर या बीटरूट से हम बनाएंगे। इसे जितना आप देंगे उतना कलर आएगा। अगर आप थोड़ा देंगे तो लाइट पिंक आएगा और थोड़ा ज़्यादा बीटरूट यूज़ करेंगे तो एकदम पिंक डीप कलर का आएगा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बीटरूट, जिसे मैंने कद्दूकस करके एक पेस्ट बना लिया है। उसका जूस हम निकालेंगे, अच्छी तरह निचोड़ के उसका जूस निकालेंगे। सभी कलर इसमें ऐड हो जाएंगे और इसमें पानी देखिए थोड़ा थोड़ा और एक कप कॉर्नस्टार्च देखिए मिला रही हूँ। ये भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। एक अच्छा देखिए कितना सुंदर कलर आया है, ब्यूटीफुल। ये आप ज़रूर ट्राई करें, इसे आप देखिएगा, बच्चे बहुत ही आराम से खेलेंगे। ये पिंक कलर सूख गया है, अभी मैंने उसे थोड़ा ब्लेंड करके रेडी कर दी हूँ। ये देखिए सभी कलर सूख गए हैं अच्छी तरह, बढ़िया बने हैं सभी कलर। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।